हो सकता है जी नमस्कार मैं हूँ मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़ आजकल कहीं ना कहीं आप एक वीडियो लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं उस वीडियो का पड़ताल हम लोग हद तक करने का प्रयास किया लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं सरासर गलत है किस वीडियो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मालूम होगा एक महिला के पेट में डिलीवरी के समय एक सर्प का जो है पैदा होना ये दिखाया जा रहा है लगातार वीडियो में वायरल किया जा रहा है लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं एकदम सरासर गलत है ये वीडियो की पुष्टि कोई कर नहीं रहा है वायरल वीडियो मेफजूल का वीडियो जो है लगातार सभी चैनलों पर दिखाया जा रहा है लेकिन इसी तरह का एक वीडियो जो हम रियल वीडियो यहाँ का दिखाएंगे अभी इस वक्त हम मौत पुरा में मौजूद है मधे पूरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है कहीं ना कहीं मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जो है बदनामी के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे जो भी पेशेंट आता था उसको कहीं ना कहीं छोटा सा ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता था लेकिन आज जो यहाँ पर कारनामा मेडिकल कॉलेज ने करके दिखाया है कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के लिए ये बहुत बड़ा खबर है बहुत पॉजिटिव खबर है यहाँ पर हम जानकारी देंगे आपको कि एक महिला थी उस महिला के पेट में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि उसके पेट में लगभग आठ से दस के का ट्यूमर था और उस ट्यूमर को जो है इस मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन करके कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया और निकाल दिया गया और उस पेशेंट का हालात भी एकदम भी। एकदम नॉर्मल है हमने पेशेंट से मिलने का भी काम किया पेशेंट नॉर्मल स्थिति में है हम उनके परिजनों से बात करेंगे आखिर कैसे इतना इस इतना बड़ा ऑपरेशन इस मेडिकल कॉलेज में सफल हो पाया कैसे इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर इतना बड़ा जो है अच्छा काम करने का जो है नाम किया गया आइए यहाँ के परिजनों से बात करने का प्रयास करते हैं देखिए यही वो परिजन है क्या नाम है आपका रविंदर कुमार अच्छा कौन है वो आपकी जिसका ऑपरेशन हुआ है मेरी फूआ लगेगी फूआ लगेगी कब एडमिट किए थे मेडिकल कॉलेज में आप आज से लगभग तीन सप्ताह पहले उसका जो है चार आने के चार रोज पहले उनके पेट में दर्द हुआ उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कहीं और जाने को कोई बताया कि मेडिकल कॉलेज ले जाइए यहाँ पर जो है अच्छे से इलाज होता है तो उसको एडमिट कराए तीन सप्ताह बाद पता चला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसका ऑपरेशन हुआ उसके लिए ब्लड उलड चढ़ा उसके बाद ऑपरेशन हुआ तो आज नॉर्मल है फिर खबर अच्छा वो जो पेशेंट है वो आपकी फुआ है ना अच्छा एक बात बताइए कि, कि कितने कितने दिनों से उसके पेट में दर्द हो रहा था कितने दिन के बाद उनको पता चला ऐसा आया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है कुछ है पेट के अंदर डॉक्टर का कहना है कि लगभग पिछले चार साल से वो पेट में है लेकिन उसको तो चार रोज से दर्द हुआ था बस चार साल से था लेकिन मात्र चार रोज पहले दर्द उठा था हाँ, हाँ जोर से दर्द होने लगा चार रोज से पहले शायद होता होगा तो आदमी का है कि छोटा मोटा दर्द है गोली ओली खा करके ठीक हो जाता है बस यही बात देखिए कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आपको वो जो है ट्यूमर आपको पता चल रहा होगा दिख दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ट्यूमर है कहीं ना कहीं अगर लोगों के शरीर में मात्र एक किलो आध किलो या दो किलो का भी वज़न अगर रहता है तो उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 10-10 किलो का ट्यूमर पेट के अंदर में हो और उस महिला को पता ना चल रहा हो मात्र परिजनों का कहना है कि चार रोज पहले उनके पेट में जो है ज़्यादातर दर्द जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं आनंद पानन में इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कराया गया जब यहाँ पर जाँच पड़ताल किया गया तो पता चला कि उसके पेट के अंदर लगभग आठ से दस के का ट्यूमर उसके अंदर में है यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा उनका सफल ऑपरेशन किया गया अच्छा अभी पेशेंट ठीक है ना ठीक है सिर्फ बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है ऑपरेशन हुआ है तो हो जाएगा धीरे धीरे अच्छा अच्छा यहाँ के डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा ऑपरेशन को सफल किए हैं क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टर को तो हम दिल से धन्यवाद कहेंगे कि मतलब गरीब आदमी का रुपया के न मौजूदगी में भी ऑपरेशन हो गया इतना बड़ा प्राइवेट में जाते तो बहुत प्रॉब्लम होता वाकई बिल्कुल सही बात है अगर प्राइवेट में यही ऑपरेशन को करवाया जाता तो हमें लगता है उस पैसे का कोई लिमिट नहीं होता कि कितना पैसा इसके ऑपरेशन में खर्च किया जाता क्योंकि उसका ट्यूमर के को दिखा के ही डॉक्टर लोग इतना भयावह कर देता है इन लोगों को कि पता नहीं इन लोगों का पैसा जो है पानी के तरह बहा दिया जाता लेकिन धन्य ये है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बदनाम था अच्छे इलाज ना करने के वजह से लेकिन इस इलाज के दौरान ये जो ऑपरेशन हुआ है आज कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का जो है नाम एकदम उच्च स्तर पर लिया जा रहा है इतना अच्छा ऑपरेशन इतना सफल ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है किया जाता है वो भी निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पर बताइए बहुत सुंदर लगा जान के अच्छा ये बताइए कि अब पेशेंट को कितना दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा क्या बोले डॉक्टर साहब अभी तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले हैं हम लोगों को लगता है कि एक सप्ताह लग जाएगा डॉक्टर का कुछ नहीं कहना अभी तक नहीं कहना है अच्छा चलिए देखिए यहाँ के कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं दीदी आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं हाँ क्या है आप यहाँ पे एम तो आशा है और आशा है आप कहाँ के आशा है हम यहाँ खंड का अच्छा अच्छा यहाँ पेशेंट ले आए हैं पेशेंट लेकर के आए हैं अच्छा क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा ऑपरेशन जो है मान के चलिए फ्री में यहाँ पे किया गया है क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टरों को क्या कहना चाहिए उसको धनबाज देंगे बहुत अच्छा सुरक्षित रखते हैं प्राइवेट से भी अच्छा है और क्या कहें अच्छा एक बात बताइए मैडम आप तो मान के चलिए महिला है एक एक सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला ने जो है सांप के सांप को जन्म दिया है तो आप देखे वीडियो सांप को हम देखे हैं देखे हाँ अच्छा क्या लगता है इसमें कितना सच्चाई है सच्चाई तो अच्छी है ठीक है ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है भविष्य बनने के लिए हो सकता है ये तो विश्वास नहीं हो रहा तो मगर हो सकता है समय देख करके समय के अनुसार से हो सकता है चलिए कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये वीडियो इतना वायरल हुआ है ये सही और गलत पता नहीं चल रहा लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक हो पाया इनका तहकीकात करने का प्रयास किया ये वीडियो कहीं भी सत्य और सही नहीं पाया गया है अ, मेडिकल कॉलेज मधेपुरा से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा